नमस्कार दोस्तों, रुचिस फूड जोन में स्वागत है आपका। फ्रेंड्स, इस गर्मी में ठंडा ठंडा कूल कूल शरबत या शेक कौन नहीं पीना चाहेगा। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत टेस्टी और स्वास्थ्यवर्धक बादाम शेक। आइए शुरू करते हैं। बादाम शेक बनाने के लिए 10 से 15 बादाम को रात भर भिगोकर उसके छिलके उतार लें, कुछ इस तरीके से। अब बादाम शेक बनाने के लिए इन बादामों को पीस कर एक पेस्ट बनाना होगा। तो इन भिगोए गए बादामों को मिक्सर ग्राइंडर में लगभग आधा कप शक्कर के साथ पीस लें और इसका महीन पेस्ट बना लें। तो देखिए, कुछ इस तरीके का हमारा पेस्ट तैयार होगा। आइए अब शेक बनाने की तैयारी करते हैं। शेक बनाने के लिए लगभग मैंने 1 लीटर दूध को गर्म पैन में उबालने के लिए रख दिया है। जब तक दूध में एक उबाल आ रहा है, तब तक हम बाकी की तैयारी करते हैं। यहाँ हमने कस्टर्ड पाउडर जो 2 चम्मच लिया गया है, उसमें कुछ मात्रा में दूध मिलाकर कुछ इस तरीके का लिक्विड पेस्ट बना लिया है। अब आप देख सकते हो कि हमारा दूध अच्छे से उबल रहा है। दूध को अच्छे से काढ़ें और लगभग 2 उबाल आने तक गर्म करें। इस बीच में इसमें कुछ मात्रा में केसर डाल दें ताकि दूध में बहुत ही अच्छी सुगंध और कलर आए। जब दूध में उबाला आ जाए तो हमारा कस्टर्ड पाउडर वाला पेस्ट इसमें मिला दें। कस्टर्ड पाउडर को दूध में अच्छे से मिलाएं और हल्का गाढ़ा होने तक इसको उबालें और पकाएं। दूध को लगातार हिलाते और चलाते रहें। आप देखोगे कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद दूध हल्का सा गाढ़ा होने लगा है। अब इस दूध में बनाया गया बादाम और शक्कर का मिश्रण डाल दें और इसे अच्छे से मिक्स करें। बादाम और शक्कर का मिश्रण डालने के बाद हमें इस दूध को लगभग गाढ़ा होने तक उबालना है और पकाना है। आप देख सकते हो हमारा दूध शेक की कंसिस्टेंसी में आ चुका है। इस स्टेज पे गैस ऑफ कर दें, शेक को ठंडा करें। 2 घंटे फ्रिज में रखने के बाद कटे हुए बादाम और टूटी फ्रूटी से गार्निश कर बादाम शेक को सर्व करें। तो इन गर्मियों में ये कूलिंग और रिफ्रेशिंग रेसिपी ज़रूर बनाएं। और हाँ, अपने कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए सब्सक्राइब करें रुचिस फूड जोन। और हाँ, पास में जो बेल आइकन है उसे दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। जय श्री कृष्णा।